राजकुमार सिंह राठौर, वेलकम टू फ्लाई राजपूत इंजीनियरिंग। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज में द ऑटोमोटिव बैटरी, दिस इज आवर फर्स्ट सीरीज इन दिस सेक्शन ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन। देयर विल बी 8 लेक्चर्स इन दिस सीरीज, सो द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन। सो द ऑटोमोटिव बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। वी ऑल नो दैट द ऑटोमोटिव बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। सो द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस मीन्स कि एक बैटरी जो होती है उसके अंदर केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। सेकंड पॉइंट, On demand, this battery provides a current to operate vehicle's electrical systems. Point मैंने start किया है on demand से। मतलब जो battery है वो हमेशा current supply नहीं कर रही होती है। जब demand आप करोगे, मतलब जब आप उसको एक circuit में connect करोगे, जब load होगा तब load demand करेगा current की, then the battery will provide the sufficient current to operate that load. Third point, there are two types of batteries, primary cell batteries and secondary cell batteries. So the primary cell batteries are like ones, those when discharged cannot be charged. For example, our AA batteries which are used in torch, जो टॉर्च में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, डबल ए बैटरीज, जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, तो ये जो बैटरीज होती है प्राइमरी सेल बैटरीज होती है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी बैटरीज होती है, ऑल बैटरीज आर सेकेंडरी सेल बैटरीज, बिकॉज दे कैन बी रिचार्ज फॉलोइंग अ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद आप उनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर सेकेंडरी सेल बैटरीज। नेक्स्ट पॉइंट, battery does not store electricity. Now, so the next point, battery does not store electricity. Why? Then how does the battery provide electricity? Okay, battery is a chemical storage device. Battery electricity store नहीं करती है। Battery के अंदर chemical store होता है जो electricity produce कर सकता है। Okay. When in charged state, the point, battery is a chemical storage device that has a potential to provide current. What is potential? Potential is the potential difference between the positive and negative terminal of the battery. Battery के जो positive और negative terminal के बीच जो difference होता है potential का, that is called potential or voltage. जो car में batteries use होती है, generally 12 volt batteries होती है, तो जब आप उनका वोल्टेज चेक करते हो तो आप कहते हो ये 12 वोल्ट बैटरी है। तो वो वोल्टेज क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जो करंट क्रिएट करता है। व्हेन इन चार्ज स्टेट एंड कनेक्टेड इनटू अ सर्किट, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट क्रिएट्स अ करंट। जो भी मैंने बात की, जब चार्ज स्टेट में बैटरी होती है और आप उसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो करंट प्रोवाइड करती है। नाउ द बैटरी फंक्शंस इन थ्री वेज। जो व्हीकल की बैटरी होती है वो तीन तरीके से फंक्शन करती है। जब गाड़ी बंद है, जब गाड़ी का इंजन बंद है, व्हेन इंजन इज ऑफ, व्हेन इंजन इज स्टार्टिंग एंड व्हेन इंजन इज रनिंग। तो जब गाड़ी का इंजन बंद है तब बैटरी का क्या फंक्शन होता है, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है तब बैटरी का क्या फंक्शन होता है, और जब गाड़ी चल रही होती है लेकिन इंजन रन कर रहा होता है तब बैटरी का क्या फंक्शन होता है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।